अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स मी मरियम और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बाय मरियम। तो आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगी हूँ, वो है फ्लैट हेड, जो कि अक्सर बच्चों में हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगी कि फ्लैट हेड क्यों होता है, वजूहात क्या होती हैं उसकी, किस किस टाइप का होता है और घर पर हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, और अगर बहुत सीवियर है घर पर क्योर नहीं हो रहा तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या हैं। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जो है वो शेयर करेंगे। तो गौर से वीडियो देखिएगा और अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक बच्चे में फ्लैट हेड का इशू चल रहा है वो कैसे पता चलता है? सर का एरिया जो है ना वो बैक साइड से अनइवन होता है, एक साइड से ऊंचा हो जाता है। समटाइम्स ईयर्स की जो अलाइनमेंट है वो अनइवन हो सकती है, कान एक तरफ से ऊंचा नीचा हो जाता है, और जो है फोरहेड शेप जो है वो आगे को फट जाती है, माथा बहुत ऊंचा हो जाता है। तो ये तीन सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि जो हमारा बेबी है उसको फ्लैट हेड का इशू आ रहा है। सर का भर जाना यानी फ्लैट हेड तीन तरह का हो सकता है। एक जो है वो ब्रैकिसेफली है, दूसरा प्लेजियोसेफली है और तीसरा स्कैफोसेफले। ये तीन टाइप्स हो सकती हैं और इन तीनों में जो सर भरता है वो डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट डायरेक्शन से भरता है। जो ब्रैकिसेफले है उसमें सर जो है वो दोनों तरफ से भरता है और पीछे से जो है वो फ्लैट हो जाता है। इसी तरह से प्लेजियोसेफली में एक तरफ को सर मुड़ जाता है और दूसरी तरफ एक बहुत फ्लैट जो है वो एज बन जाता है। और इसी तरह से स्कैफोसेफली जिसमें कानों की तरफ से जो है वो सर दोनों साइड से फ्लैट हो जाता है और पीछे से लंबा सा उसका एक नोक से निकल आती है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि तमाम मदर्स से मैं शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि फ्लैट हेड अगर आपके बेबी में आ गया तो उसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। रिसर्च से साबित हो गया है कि इसका बेबी ब्रेन पे या बेबी एबिलिटीज़ पे कोई जो है असर नहीं होगा, मींस हेल्थ वाइज इसका कोई नुकसान नहीं है बच्चे में। और अगर फ्लैट हेड का प्रॉब्लम आ गया है तो इसको या तो घर पर डिफरेंट तरीकों से क्योर कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर इसको मेडिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। दोनों मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और हाँ, फ्लैट हेड कब होता है ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लैट हेड दो सूरतों में हो सकता है, बेबी की बर्थ से पहले भी हो सकता है, बेबी बैग में किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी यूट्रस में किसी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, और अगर ट्विन बेबीज हैं, स्पेस कम है तो सर पे प्रेशर आता है बच्चे के, उस सूरत में भी फ्लैट हेड हो सकता है बच्चे का, और बेबी बर्थ के बाद भी हो जाता है। अच्छा, बाद में जब होगा तो आपको स्टार्टिंग वीक्स में ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरे बेबी का जो हेड है वो फ्लैट हो रहा है, तो उसको घर पर इजीली क्योर कर सकते हैं। कुछ सिंपल तरीकों से बेबी के हेड को सुपरवाइज करना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर फ्लैट हेड को आप क्योर नहीं कर पा रहे घर पर और 14 महीनों से ज़्यादा हो गया है, 14 मंथ्स गुजर गए हैं बेबी को, मींस बच्चा एक साल का हो गया है ऑलमोस्ट, तो तब आप फ्लैट हेड को होम पर ट्रीट नहीं कर सकते, तो आपको उसका जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपको फर्स्ट वीक्स में ही फ्लैट हेड का आइडिया हो गया तो आप घर में उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बेबी की पोजीशन को वाइल ही इज स्लीपिंग तो आप उसको चेंज करते रहें। सर एक साइड पे बेबी रख के सोया रहता है, अगर स्ट्रेट है तो राइट लेफ्ट करते रहें, और अगर मोस्टली राइट पर सर रखता है तो उसको लेफ्ट में कर दें, अगर लेफ्ट पर रखते हैं तो उसको राइट में, मीन्स सुपरविजन की ज़रूरत है और बेबी के सर की पोजिशन को जो है चेंज करते रहें। सेकेंड है टमी टाइम। टमी टाइम बच्चे को दें, उसको उल्टा लिटाकर उसको मूव करने की, खेलने की जो है वो टाइम दें। मेरा बेबी बड़ा हो गया है, मैं आपको जस्ट न्यू बॉर्न फर्स्ट वीक्स में आपने जो करना है मैं वो गाइड कर रही हूँ। इस तरह से उसको उल्टा लिटा के उसको खेलने दें। टमी टाइम इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, इसमें बेबी नेक को होल्ड करता है और नेक मसल्स बेबी के बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इसलिए वो अपने सर को होल्ड करना भी सीखता है और उसकी पोजीशन, उसका पोस्चर भी चेंज होता है जिससे उसको थोड़ी रिलैक्सेशन और कुछ डिफरेंट फील होता है। ये नेक मसल्स बेबी के जो है ना इस तरह राइट लेफ्ट जब मूव करते हैं ना तो उसके सर की पोजीशन को भी जो है वो फ़र्क पड़ता है। सीधा लेट लेट के और एक पोजीशन में लेट लेट के फ्लैट हेड का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए टमी टाइम बहुत ज़रूरी है। दिन में तकरीबन तीन से चार दफ़ा जो है वो बेबी को टमी टाइम देना चाहिए।
नेक्स्ट चीज़ आप घर पे क्या कर सकते हैं, होल्ड देम मोर ऑफन। अपने बेबी को होल्ड करें, उनको एक पोजीशन में एक पोस्चर से निकालें, उनको पकड़ें और उनको टमी टाइम दें, उनके साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। टमी टाइम में बेबी को हम थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए दबा भी सकते हैं हेड टू टो, इस तरह से उसके जो नेक मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, उसकी पोजीशन भी अच्छी रहेगी, हेड को भी साथ साथ सॉफ्टली जो है वो हम दबा सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या करना है, जब बच्चे को खेलने के लिए पकड़ें तो उसका माथा, सर, बैक से, राइट से, लेफ्ट से आराम आराम से दबाते रहें, उसको फील भी ना हो और उसको सुकून भी मिले और उसका जो हेड है वो अच्छे से शेप अप हो जाए। और अगर फ्लैट हेड प्रॉब्लम है तो उस एरिया से, स्पेसिफिकली उस एरिया से जो है वो हर टाइम दबाते रहा करें, वो आपको विजिबल हो जाएगा जहाँ भी होगा, एक कोना सा, एक सर ऊंचा सा हो जाता है एक साइड से या बैक से हो जाता है, तो उस एरिया को स्पेसिफिकली दबाते रहा करें। जब भी उसको खिलाने के लिए पकड़ें, उसको बर्ब दिलाने के लिए या उसको टमी टाइम देने के लिए, तो उस दौरान जो है वो आप उसका सर दबा सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि वो तमाम मेथड्स जिनको फॉलो करके हम घर पर फ्लैट हेड को ट्रीट करते हैं, वो अगर काम नहीं कर रहे और आपके बेबी के फर्स्ट वीक्स, फर्स्ट मंथ्स भी गुजर गए हैं, टाइम भी गुजर गया है, तो मेडिकली दो तरीके बताए जाते हैं फ्लैट हेड को रिकवर करने के लिए, एक फिजियोथेरेपी और एक हेलमेट के थ्रू जो है वो फ्लैट हेड को ठीक किया जाता है। हेलमेट जो है वो बेबी के सर पर फिक्स कर दिया जाता है, जिस एरिया पर फ्लैट हेड है वहाँ से थोड़ा लूज उसको सेट किया जाता है, और जहाँ पर नोक बनी हो या सर निकला हो, बड़ा हो, वहाँ से उसको टाइटली फिट कर दिया जाता है। इससे बेबी को किसी किस्म की पेन, किसी किस्म का डिसकम्फर्ट फील नहीं होता और उसका हेड बिल्कुल जो है वो ऊपर से, साइड से और बैक से, जहाँ से भी फ्लैट हेड का इशू हो, वो विद इन 3 to 4 months जो है वो ये ठीक हो जाता है। जब हेलमेट बेबी को लगा दिया जाता है तो जहाँ से हेड राउंड होता है वहाँ से ग्रो नहीं करता, और जहाँ से फ्लैट होता है वहाँ से हेड ग्रो कर जाता है, और वो सारा जो है वो इक्वल हो जाता है हर साइड से और शेप अप हो जाता है। मोस्टली एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लैट हेड जो है वो डेंजरस तो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली ये परमानेंट भी नहीं है। अगर आपके बच्चे का सर 1 या 2 साल तक 3 साल तक फ्लैट हेड का इशू चल रहा है, तो वो ग्रेजुअली विद इन टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो चीज़ कवर हो जाती है और वो फ्लैट हेड ऑटोमेटिकली जो है वो ठीक हो। अच्छा जी, लास्ट में एक बात डिस्कस करना चाहूँगी, अगर आपके बेबी का फ्लैट हेड प्रॉब्लम माइनर सा है तो वो घर पर आप डिफरेंट क्योर करके, जैसे मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताए हैं, आप उसको ठीक कर सकते हैं, और अगर वो थोड़ा सीवियर हो गया है तो आपको मेडिकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपका जो फ्लैट हेड बेबी का बहुत माइनर है और फिर भी आपसे घर पर नहीं ठीक हो रहा, तो उसको एज इट इज़ छोड़ दें, इट्स नॉट अ डेंजरस थिंग, ये विद इन टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, कुछ सालों तक ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है या वो किसी मेडिकल प्रॉब्लम की तरफ जो है वो हमें सिम्टम दे रहा है, तो फिर उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। सो उम्मीद है आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस वीडियो से और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबा दें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।